एरिना टेलिभिजन देखिरहला सम्पूर्ण दर्शकबिनके हामी दुई हात जोडीके नमस्कार गर्छौं। तोर्सी नखरे देखिरहला चाहिँ एरिना टेलिभिजन विभिन्न केबल अपरेटर माध्यमसे हमरसिनके देशभर हमरसिनके विभिन्न केबल अपरेटर माध्यमसे देखिरहला छै जनता। ओइनिङ गरिके हमरसिनके www.erinatelevision.com.np लगन गरिके तोर्सी संसारभर लाए प्रत्यक्ष रूपमे देखे सक्छै। आज रवि दिन छिकी सुरु भएको छ तोर्सी यानके मनपसिन थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दिया रहल छुन। हामी तोर्सी यानके सँग हामी नीरज खवास आर एतना खान हाम्रा क्यामेरा दिशन साथ दिया रहल छी। विजयजी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछिन। आज इटा हमर समाजमे कुन कुन हेछि कहि हामी सबैसे पहिना तोर्सिनके जानकारी देवे चाहछुन। इटा कार्यक्रममे थारू समाजमे सङ्घर्ष करतै हेल विभिन्न व्यक्तित्व सँगसँगैके बातचित आर ओइनङ गरिके विभिन्न गाउँमे जाके एकटा विषयवस्तुमे रहिके वहाना गाउँके व्यक्ति सँगसँगै हामी बातचित आर ओइनङ गरिके बनिया बनिया गीत सङ्गीत सुनाएके एउटा कार्यक्रम मार्फत तोर्सिनके हामी मनोरञ्जन आर सूचनात्मक कार्यक्रम हम देखै हेलुस। आज हामी एउटा कार्यक्रम खिचे लग्ना झुम्का स्थित एउटा कम्पनी झुम्कामे रहल कृषि के एउटा तालिम केन्द्रमे उपस्थित छौँ, जेकि आज एउटा कृषि तालिम के मैदानमे आज छैटौँ थारू पत्रकार महासङ्घके अधिवेशन हाबी रहल छ। आज यहाँके छायाङ्कन क्रममे आज यहाँके कृषि तालिम केन्द्रमे उपस्थित छौँ। आज एथेन करा रहल विभिन्न व्यक्तित्व सँगसँगै बातचित गर्बु, जेकि के सम्मान हेली के कुन कुन पुरस्कार पेल कि ककरा ककरा सम्मान करल कि यहाँके बारेमे आज एतेकरा हामी रहिके बातचित गर्बु। कार्यक्रममा के हामी आगू बढाबे चाहछौँ एकटा एउटा कृषि तालिम केन्द्रमे हाबी रहल अधिवेशनके एउटा छुम्मा फुटेज। बात फेन से स्वागत करे चाहूँ तोरिसियान के मन पसिन थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा छुन। हमें तोरिसियान के संग हमें नीरज खवास आज जे कि हमें उपस्थित छुन। आज कमी झुमका में अवस्थित कृषि तालिम केन्द्र के मैदान में छु। आज जे कि आज एत कृषि तालिम केन्द्र के मैदान में छैटौ थारू पत्रकार महासंघ के अधिवेशन आबि रहल छी, जेकि इटा छैटौ पत्रकार महासंघ के अधिवेशन में आज प्रमुख अतिथि के रूप में कमनी भगवती चौधरी जी रहल छी, जेकि कोई नहीं आबी के ई पारी के सुनसरी क्षेत्र नंबर 3 के सूरज कम सूर्य से उठल छी, जेकि नेकपा एमाले से ई पारी उठी रहल छी। हमें ओकरा कार्यक्रम में ओकर संगे हमें छुम्मा बातचीत जोड़े चाहछुन। भगवती जी कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद।
आज इटा कृषि तालिम केन्द्र के थारू पत्रकार महासंघ के छैटौ महाधिवेशन के प्रमुख अतिथि में रहा किनके देखी रहा थारू पत्रकार महासंघ के थारू पत्रकार महासंघ अब हम तो पत्रकारिता जगत राज्य के चौथो अंग के रूप में हिसाब से चौथो अंग के रूप में स्थापित हवे के अब पत्रकारिता क्षेत्र ही इन्हें क्षेत्र से सूचना संप्रेषण निष्पक्षता रूप से कलम चला वाला अथवा संचार के संपूर्ण जगत के जग जग पारे वाला सब है के जनता के जनमाज में समाज में सचेतना जगावे वाला चाहे तो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से ओकरा सचेतना जगावे वाला माध्यम ही पत्रकारिता जगत हवे के कारण से सही र सही र निष्पक्षता सूचना संप्रेषण कर लो जला से उठाक बाद में हमरा लाग छे जे इटा जगत के कल्याण के रूप में छिटो से छिटो अखनकर संसार में 21वीं शताब्दी की युग छे कुन कुन हावी रहल छे अन्य देश विदेश में वह बक चीज सब के विकास के उदाहरण सब नेपालों में भीतरे पड़ती अतः हमर सी के समाज में रहल विभिन्न जात जाति के समूह मिलल इटा नेपाल देश कहवा तो 125 जात जाति से बेसी भरपूर हेलो देश इसमें 37% से बेसी जनसंख्या हेलो जनजाति आदिवासी मूलवासी सब थारूवासी सब रहल देश सभी के संस्कार सभी के संस्कृति अगाड़ी बढ़ोस सभी के पहचान अगाड़ी सम अगाड़ी बढ़ोस संरक्षित रहोस उ सम के रे अपन संरक्षित भित्र हमर सी अधिकार पेछिन कहीं के महसूस करोस कहीं के सब जात जाति के संरक्षण करते देश अगाड़ी जाओस तहू में विशेष करी के सभी के बाल बच्चा पढ़े लिखे पाओस सब का समान अवसर रोजगारी का अवसर समान रूप में पाओस सेना प्रहरी कर्मचारी निकाय कर्मचारी संयंत्र देखी लिखे लिया के राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में सब क्षेत्र में थारू सब के सहभागिता जाओस कहीं के थारू पत्रकार के पत्रिका के कलम सब थारू पत्रकार सब के आवाज सब थारू सूचना संप्रेषण सब उन्हें अगाड़ी बढ़ोस जे कि थारू के सहभागिता समानुपातिक ढंग से समावेशी ढंग से एक पहुँच पुगोस कहीं के हमें संदेश देवे चाह छिन उटा राज्य तह के अथवा राज्य तह में पुगला के बाद में अथवा हमू कोनो राजनीति दल में आबत छिन ते राजनीति दल भीतर भी हमरा सी हमर सी के थारू जाति के लागी आरो थारू पहचान के लागी किने संरक्षित हेती कहीं के अगर कोटा सिस्टम आरक्षण सिस्टम समावेशी आधार में समानुपातिक ढंग से करी देवस कहीं के अपन पार्टी भीतर से हमर सी नेपाल लोकतांत्रिक थारू संघ बनल छे एटा नेपाल के राजनीतिक संघ इना पत्रकार संघ किने के देखि रहल छ कुन रूप से देखि रहल सर्वप्रथम नेपाली राजनीतिज्ञ सब अथवा लीडर सब नेतृत्व सब हमरा लाग छ पत्रकार सब के बहुत सम्मानित दृष्टि से देखि रहल छ तर कखनो कखनो पत्रकारो सब अथवा पत्रकारिता के गलत फायदा के रूप में एलाई पेशागत से बेसी कखरो पक्ष पोषण करी के पत्रकारिता करला के बाद में निष्पक्षता के छोड़ी के अन्य चीज के आधार में इटा आकर्षित हेला के कारण से पत्रिका के बदनामीता थोड़े करल जाए तर पत्रकार चीज एहन छ के सभे के उटा अधिकार नहीं मिल छे जेना प्रहरी के सेना के अधिकार छे हथकड़ी लगावे के राष्ट्रपति के अधिकार तो नहीं छे हथकड़ी लगावे के ओहने पत्रकार के अधिकार छे सूचना संप्रेषण कराना निष्पक्ष ढंग से कराना यदि पत्रकार लागतो जन त छुमी र सीज के भी बड़खा बनावे साक्षी अथवा बड़खा ठाव में पुगावे साक्षी पत्रकार के दृष्टि में अथवा पत्रकार लागतो जन त नकारात्मक बनाए के झारे साक्षी पतन करे साक्षी इ हिसाब से हमें कछन एकदम माथी उठा के एकदम तो कखरू तल झारी के नकारात्मक सोच लैके कखरू प्रतिशोध लेने गरी अथवा बायसनेस हावी के नहीं करम पत्रकारिता जगत स्वच्छ छवि निष्पक्षता रूप से तोरसी के कलम चलोस तोरसी के आवाज जाओस तोरसी के सूचना संप्रेषण हावस कहीं के उटा शुभकामना देवे चाहन कखनो कखनो निष्पक्षता के छोड़ी के दोसर बाटो में हावे के कारण से कखनो कखनो लीडरशिप सब नेता सब राजनीतिक दल सब थोड़े पत्रकार के ये गलत उसमें पेशा बंदा छोड़े जेने राज्य के चौथो अंग के रूप में राज्य प्रदान कर लै छै उटा प्रदान कर लै चीज के स्थायित्व राखोस पत्रकारी जगत अपन संस्कार जोगा के राखोस कहीं इतने शुभकामना देवे चाहन धन्यवाद देखि एकटा फॉरवर्ड माइक्रो फाइनेंस के एमडी आर ओने गरी राजनीतिक क्षेत्र दिसन लागि रहल छै दुनो राइना किने के कंबाइन कर रहल छै किने के मैनेज कर रहल छै इना दुनो संस्था से सर्वप्रथम 23 वर्ष अगाडि हमरा सी एकटा सामाजिक संस्था खोलने छल 10-11 जना महिला संगठित आवी के महिला सब के बहुत हिंसा छे महिला सब अपन क्षमता होते हुए में सिप होते हुए में ओकरा सी पछाड़ी छी कहीं के महिला उत्थान के लायगी
महिला सशक्त बनावे लेकिन सबसे पहले महिला के हाथ हाथ में पूंजी पुरिया प्रति कहीं के अवधारणा सीधा फॉरवर्ड बनने ग्रामीण महिला फॉरवर्ड एनजीओ के रूप में संस्थापना करने तकर बात करते करते इटा चाहे वित्तीय संस्था के रूप में ढाली दल गए वित्तीय संस्था के रूप में अखने कहवा तो घ वर्ग के विकास बैंक के रूप में देश भरी में लागू होने गरी राष्ट्रीय स्तर को आबद्धता के प्रमाण पत्र राष्ट्रीय बैंक के चौथो बैंक के रूप में डेवलपमेंट बैंक के रूप में स्थापित करल अच्छे अखने 35 जिला में 2.25 लाख महिला आबद्ध छा संस्था के तो शुरुआत करे वाला सबसे पहन कर उद्देश्य छे महिला सब किने के उद्यमी आवे महिला खाता में किने पैसा हेतें तब वकर नेतृत्व विकास हेतें तब वे सम्मान पेती तब वकर हिंसा मुक्त हेतें कहीं के इटा सोच ले के अगाड़ी बढ़े कारण से उटा संस्था स्थापना कर लगली पर हमर उद्देश्य छे समाज के उत्थान करना हमर उद्देश्य छे गरीब विपन्न की सेवा करना तो हमर उद्देश्य संगसंगे अब ते समाज संपूर्ण समाज के उत्थान के लागि संपूर्ण समाज के उत्थान के लागि उटा सामाजिक क्षेत्र कंजन सांगुरो क्षेत्र है सांगुरो क्षेत्र हावे के छुमा क्षेत्र हावे कारण के बैंक तथा वित्तीय संस्था भी क्षेत्र अपन पेशागत क्षेत्र है वह खातिर हमें राजनीति क्षेत्र में प्रवेश कर लगे फिर भी उटा में अध्यक्ष रही के कोनो खास हमें पेशागत रूप में उटा में इन्फ्लुएंस राजनीतिक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव कुछ नहीं कर लछन ई हिसाब से हम अध्यक्ष रही रहल छन कहीं के इतना कहे चाहन वह संस्था हमरा भगवती चौधरी के स्थायित्व करल के भगवती चौधरी के नाम दिल के अथवा अगाड़ी बढ़ल के ई हिसाब से उटा संस्था के संस्थापक के रूप में रहल छन देखी ई पारी सुनसरी क्षेत्र नंबर 3 से नेकपा एमाले से उठल छै किने के इटा के घर दरिलो कार्यक्रम करी रहल छै कि किने के इटा के वोट पाए के प्रयास हाँ अखन हमर सिर पार्टी ने कपाए माले कल उम्मीदवार के रूप में हमरा प्रस्तुत करल के प्रतिनिधि सभा 3 नंबर के लागी अखने आओ नॉमिनेशन भक्करे कालवे सकल कालवे पर से सकल नॉमिनेशन में हमर से अब आधिकारिक रूप से पार्टी निर्वाचन परिचालन कमिटी छै उटा परिचालन कमिटी एकटा मिति क्लस्टर वाइज वार्ड वाइज कमिटी छै वार्डा कमिटी के मार्फत से हमर से चुनावी आम सभा सब करते कौन सभा सब करते तकर बाद घर दैलो में छिरल जेती ई बगी योजना के साथ अगाड़ी बढ़ल छन अखने तो ठाँव ठाँव में क्लस्टर क्लस्टर में जाके वोट मांगने सानो सानो कौन सभा के रूप में करे के रखो पार्टी प्रवेश के अवस्था के उसमें प्रवेश करते अगाड़ी बढ़ी रहल छन यहाँ बग जनता के अने छोटा छुमा आम सभा सब र क्लस्टर वाइज चुनावी सभा सब करते करते जे ई बेर नेकपा एमाले के पक्ष में वोट दहे परिवर्तन के पक्ष में दहे 25 वर्ष के सत्ता देखी लेला 25 वर्ष में 3 नंबर क्षेत्र के आमूल परिवर्तन जे एले हथिन जते हमर सिख प्रतिद्वंदी इतने अपन विकास करल के अपना पटक पटक मंत्री हेले तर उटा क्षेत्र के विकास के जने स्थापित करना छे उ बगे स्थापित कुछ नहीं हेलो छे न बाटो घाटो न रोड न कॉलेज न स्कूल न यूनिवर्सिटी न फैक्ट्री न उद्योग न धंदा र आर कुन कछि एन्टरप्रेन्योरशिप व्यावसायिक बनाउले लगिन दैनिक दिनचर्या स्थापना करे लगिन उहो न काम सब नै स्थापित हावे कारण से हमर उम्मेदवारी नै कपाए माले के तर्फ से युवा सब के स्वरोजगार के लागि महिला दीदी बहिनी सब युवा सब के लागि उद्यमशीलता विकास के लागि र ओतेकर समग्र परिवर्तन मजदूर सब के व्यवस्थापन के लागि उद्योग धंदा के लगानी भित्रावे लगिन र व्यावसायिक कृषि प्रणाली नमूना के रूप में प्रत्येक एक गाँव में एकटा नमूना कृषि प्रणाली लागू करे लगिन र आर दोसर प्राविधिक शिक्षालय के स्थापना के लागि हमर उम्मेदवारी छ पूर्वांचल से एकटा कहनी पहिन कर बेर एकटा एरिना टेलीविजन अपन सी के थारू समाज के लागि एकटा स्थान प्लेटफॉर्म देल छी अपन समाज के लागि कुछ करोस कहि के आगू बढ़ोस कहि के एकटा प्लेटफॉर्म देल छी एकटा कार्यक्रम थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज के बारे में कुन कहे चाहे सर्वप्रथम तो एरिना टेलीविजन के धन्यवाद देवे चाहन तरसी स्पेस अथवा ठाव अथवा समय थारू आवाज अथवा थारू संप्रेषण थारू सूचना थारू समाचार के लागि थारू प्रतिभा अथवा थारू में बहुमूल्य अथवा थारू सब के चीज संस्कृति पहचान के झलकावे लेकिन एक ठाँव दिल छा सुटा के लागि हमर एकदम शुभकामना छे र सकारात्मक दृष्टिकोण छे एहनेंगे एहने सूचना संप्रेषण करे वाला चीज से लेके राज्य में रहे वाला सब निकाय से राज्य में रहे वाला सब तह सब थारू सब के समानुपातिक समावेशी स्पेस दिला के कारण से थारू सब
खाली तराई में रहे बला सोझो बनी के एकटा पछाड़ी पड़ल जात नहीं रहते अगाड़ी बढ़ती कहीं केटा के लगी शुभकामना तो धन्यवाद देवे चाहे आदिन दर्शक बिन संतोष सिंह देखी रहा है एरिना टेलीविजन मीडिया फॉर यूथ विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से देश भर और www.erinatelevision.com.np लगन करी तोर सिंह संसार भर लाइव प्रत्यक्ष रूप में देखे सकते आज हम अपने बातचीत कर ली कि यहाँ पारी मंगसिर 21 गते हाबी हाबे वाला में कि चुनाव जे कि इटा के सुनसरी क्षेत्र नंबर 3 से प्रत्यक्ष तर्फ के उम्मीदवार नेकपा एमाले से उठल भगवती चौधरी और ओइनंगरी के फॉरवर्ड के माइक्रो फाइनेंस के एमडी रहल छी भगवती चौधरी ये बनिया बनिया बात राखी दिल की कार्यक्रम के बारे में बनिया बनिया सलाह सुझाव दिल की इटा के लगी ओकरा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछु अखन कर क्रम में इटा कार्यक्रम में हमें एक छुमा व्यापारिक विश्राम लेवे चाह
कार्यक्रम के पैनगढ़ व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरेसियान के मनपसंद थारूभाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा छून हमें तोरेसियान के संग हमें नीरज खवास तोरसिनी थारूभाषा कार्यक्रम प्रत्येक हफ्ता के रवि दिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक और ओहन करी के पूर्ण प्रसारण तोरसिन सोमदिना 3 बजे से 4 बजे तक विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से तोरसिन देश भर देखी देखे सकते और ओहन करी के तोरसिन एरिना टेलीविजन डोइन टीवी क्लियर टीवी और सिम टीवी में भी तोरसिन देखे सकते ओहन करी के तोरसिन लाइव प्रत्यक्ष रूप में देखे लगना www.erinatelevision.com.np लगन करी के तोरसिन संसार भर देखे सकते और इटा हमर समाज तोरसिन टेलीविजन से देखे लगनी छुटल है जनता औसे भी इना छुटलना कार्यक्रम तोरसिन यूट्यूब एरिना टेलीविजन के यूट्यूब चैनल से तोरसिन देखे सकते जेकि एरिना टेलीविजन सर्च करके तोरसिन सब्सक्राइब करके तोरसिन औसे भी हमर समाज के संपूर्ण कार्यक्रम तोरसिन भेट भई आर देखे सकते कृपया कमेंट करके सुझाव देवे लगना हमें तोरसिन के कहे चाहूँ जेकि आज हमें झुमका अवस्थित कृषि तालीम केन्द्र के प्रांगण में जेकि आज ये छठौ कमनी थारू पत्रकार महासंघ के अधिवेशन हावी रहा एथिन करा रहा मुख्य अतिथि अतिथि सम सम्मानित व्यक्ति सम व्यक्ति संगसंगे हमें आज बातचीत जोड़ी रहा छूँ जेकि ओहन करी के अखन कर क्रम में जेकि सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 के 1 प्रदेश सभा के कमनी नेपाल राज्य पार्टी के प्रत्यक्ष तर्फ के उम्मीदवार हमार संगे अखने बातचीत करे में जेकि कोई नहीं हावी के राजकुमार लिखी रहा राजकुमार जी स्वागत छू कार्यक्रम धन्यवाद किनेंग हावी रहा छू आज ये देखी रहा छू किनेंग के देख इटा थारू पत्रकार महासंघ के थारू समुदाय में चेतना के विकास थारू समुदाय के विभिन्न पेशागत क्षेत्र में एकटा राज्य के हरेक निकाय में जाय के एकटा लहर के विकास के रूप में ई थारू पत्रकार संघ नेपाल के ई महाधिवेशन के हम देख रहल छियै। आज से 15 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले एहि देश में राज्य के कोनो भी निकाय में थारू सबके सम्मानजनक उपस्थिति नहीं रहे। अखन चाहे संचार जगत है या शिक्षा जगत है या राजनीतिक क्षेत्र थारू सबके सहभागिता राज्य के निकाय में अगाड़ी बढ़ रहल छै और देश के जे चौथो अंग के रूप में संचार क्षेत्र के मानल जाइ छै वही में तो बहुत कम उपस्थिति थारू सबके रहे। ते दुआरे 15 आदमी 20 आदमी से गठन भए के जे थारू पत्रकार संघ अगाड़ी बढ़ल रहे आई एहि देश के लगभग 20-22 टा जिला में देश भर दर्जनों पत्रकार सबके हम सब उपस्थिति देख रही खुशी की बात है। अभी इन्हें कम इटा थारू पत्रकार के बारे में इन्हें असल असल बातचीत राखी दल है इना थारू पत्रकार इना राजनीतिक क्षेत्र दिशन से कितना के साथ सहयोग करी रहा छी लखला पत्रकार या संचार माध्यम समाज के ऐना है छे कोनो भी क्षेत्र के विकृति विसंगति के उजागर करे के लेल सचेत कराबे के लेल संचार माध्यम के महत्वपूर्ण भूमिका है छे। लेकिन संचार माध्यम के आर्थिक अवस्था के बारे में मीडिया के कोनो भी आर्थिक संकट के बारे में जे राज्य के गंभीरतापूर्वक सोचे के चाही उ राज्य उ सरकार गंभीरतापूर्वक नहीं सोच रहल छे। अखन थारू पत्रकार संघ के जे महाधिवेशन भए रहल छे ई देश के चौथो अंग के महाधिवेशन छे ते दुआरे एहि देश के प्रमुख जिम्मेवार जे सरकार है छे राज्य के निकाय है छे उ सरकार के गंभीरतापूर्वक लेके चाही कि संचार क्षेत्र के विकास के लेल संचार क्षेत्र के सर्वांगीण हित के लेल सरकार में रहे वाला व्यक्तित्व सबके व्यक्ति सबके सोचे के चाही कोनो एकटा राजनीतिक दल नहीं कि ई सिंगो मुलुक के संचालन करे वाला सरकार की जिम्मेवारी होके चाही। जेकि अपने काम और कामनी चुनावी चहल पहल एकदम बढ़ते जा रहा छी मंगसिर 21 गते से चुनाव के शुरुआत हावी रहा छी तहु एकटा प्रदेश सभा से उठल छै किनेंगे इटा के कमनी विज्ञापन करी रहल छै किनेंगे इटा के वोट मांगे के प्रयास में छै किनेंगे वोट मांगी रहल छै कोनो भी निर्वाचन से निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के उम्मीदवार सब जितबा के चाही
और हर एक निर्वाचन से युवा पुस्ता कोनो दाग नहीं लागल युवा पुस्ता के नेतृत्व विजय प्राप्त करे के आवे के चाही। जे चीज़ हम सब नेपाल में आए 30 वर्ष से 40 वर्ष से नहीं देख रहे छे, 30 वर्ष से 25 वर्ष से एके व्यक्ति एके पार्टी जे पटक पटक गलती करे छे, जे व्यक्ति जे पार्टी पटक पटक सरकार में गिल छे, फिर वह व्यक्ति पुरान अनुहार जकरा भ्रष्टाचार के दाग छे, जकर में विभिन्न किस्म के आरोप छे, उ उम्मीदवार सब नहीं जीते के चाही। यथास्थिति में मुल्क अगाड़ी नहीं बढ़ सके छे, ते दुआरे परिवर्तन के लिए नया उम्मीदवार, युवा पुस्ता के उम्मीदवार, स्वच्छ छवि के उम्मीदवार सब, कोनो भी पार्टी के उम्मीदवार सब जीते के चाही, ई मान्यता हम रखे छे। जे कि एटा देश के लागी जे सहयोग करती जे विकास करती ओकरा वोट देना कुछ हमनी गलती नहीं छे। हाँ, निश्चित रूप से निर्वाचन से अगर 10 बेर 5 बेर 2 बेर 4 बेर निर्वाचन जीत के और जनता के पक्ष में देश के पक्ष में समाज के पक्ष में जे काम करे नहीं सकल के, वहन व्यक्ति पुरान व्यक्ति और खाली पद में जाए वाला व्यक्ति सबके निर्वाचन से निर्वाचित नहीं करे के चाही। ई हम आम जनता से मेची से महाकाली के जनता के अनुरोध करे चाहे छी कि स्वच्छ छवि के नया उम्मीदवार युवा उम्मीदवार और सशक्त आवाज जनता के पक्ष में आवाज उठाए वाला उम्मीदवार सबके निर्वाचित करे के चाहिए। बातचीत कर दिले इटा लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ। अंतिम में इटा एरिना टेलीविजन अपन सी के समाज के लागी एक हमनी प्लेटफॉर्म दिल अच्छी थारू समाज के लागी कुछ करोस कही के एक प्लेटफॉर्म दिल अच्छी इटा कार्यक्रम के बारे में कौन कहे चाहूँ। एरिना टेलीविजन के उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करी छी और एरिना टेलीविजन परिवार में कार्यरत संपूर्ण संचार कर्मी साथी सबके भी निर्भीक भय के निडर भय के निष्पक्ष समाचार संप्रेषण करे के लिए प्रवाह करे के लिए हम हार्दिक अनुरोध करे छी। बातचीत कर दिले बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ। आदरणीय दर्शक बिनसम प्रदेश सभा के सप्तरी प्रदेश सप्तरी क्षेत्र नंबर एक के प्रदेश सभा के कमनी एक प्रत्यक्ष तर्फ के उम्मीदवार रहल छी राजकुमार लेखीजी, वे बातचीत कर दिल के ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ। कार्यक्रम में फेन से एक छुमा व्यापारिक विश्राम लेवे चाहूँ।
कार्यक्रम के दोसर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहसुन तुरिसियान के मन पसिन थार भाषा कार्यक्रम हमर समाज में तोरसिन प्रत्येक हफ्ता के रवि दिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक ओहन करी के पूर्ण प्रसारण तोरसिन सोम दिना 3 बजे से 4 बजे तक इटा थार भाषा कार्यक्रम हमर समाज देखे सकते। देखिए आज हमें झुमका स्थित के कमी कृषि तालीम केन्द्र के प्रांगण में छी। देखिए आज एतरा एक कमी थारू पत्रकार महासंघ के अधिवेशन आबि रहा छी। जेकि आज जेकि पूर्व कहमनी मोरंग के मोरंग जिला के थारू पत्रकार महासंघ के उपाध्यक्ष रहा छी। जेकि आज ये फेन से आज यहाँ महाधिवेशन में अध्यक्ष के लागी नाम दर्ता करल छी। जेकि यहाँ अध्यक्ष के लागी वे आज भिड़ी रहा छी कुन हेति अध्यक्ष पद पेतिक्ने व्यक्ति हमें ओकरे संगे बातचीत जोड़े चाहछु। जेकि आर वे कोई नहीं हावी के बूढ़ी गंगा गाँव पालिका के महिला सदस्य भी रहा छी। पूर्वांचल के पूर्वांचल एफएम के एक कार्यक्रम प्रस्तुता भी ओकरा कहे मिलती। जेकि वे कोई नहीं हावी के वे रहा छी मीना विश्वास जी। मीना जी स्वागत छु कार्यक्रम। धन्यवाद। किरण सर एकदम बढ़िया। बहुत दिन के बाद आज भेटघाट हाँ उठा तो था कतना के व्यस्त एकदम व्यस्त छोड़ हमारा भेटे लगना मानुस ना के इतना अखने कठिन आबी रहा है। जो हमें बिहान 5 बजे 5:30 बजे घर से निकल एक बजे एक चोटी हमें साँझ 6 बजे तीर घर जैसन एक रेडियो के व्यस्तता उमर दोसर कुन का राजनीति के आर अखने इटा आजकल जे इटा 2074 सात के महीना 18 गते इटा महाधिवेशन राष्ट्रीय महाधिवेशन छठो राज्य छे जे उटा के हमें व्यस्तता से भी कजान हमरा मानुष ना भेटल ना कजान ओकर सन के गाढ़ो आबि रहल छे आर रहल बात जे कि हमें एक थारू पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष छने आज हम के रे इटा थारू पत्रकार संघ के अध्यक्ष में दावेदार कर लसिन। वास्तव में हमू सोचन काम महिला ना आगू नहीं बढ़ते कही के आ थारू पत्रकार एरम तो हमरो से के थारू समुदाय के महिला सब पढ़ल लिखल से लेकिन ओकर सन इटा ठाव में नहीं एल से उटा ठाव में आने लगना हमरा कुन करे पड़ते ओकर सन के केरन के आने पड़ते कहे के उटा लागी हम ओकर सन गाँव गाँव में जाके कार्यक्रम महिला सब के कार्यक्रम करी रहल छन अखने आर हमर सन के कुनु भी कार्यक्रम हेले प्रोग्राम हेले हमर सन के थारू पत्रकार कही के मान्यता नहीं दे से पाछू पारी दल से कम कि दोसर ना समुदाय के पत्रकार ना के बोला के सम्मान कर से कुन कुन अखंड गया के हमर सन के मोरंग में थारू पत्रकार कही के कहन तो सन हास से तो काम हास से तो उठा के हमर सी चुनौती दिए लगना भी हमें अखने मोरंग से अध्यक्ष में लड़े लगना एकदम दावेदार दिल आर एकदम मन में लगी रहा कि वास्तव में जितने हमर सी के थारू पत्रकार साथी बहन सो से ओकर सी हमरा जीतते कह के हमरा एकदम आशा से उठा बात आर दोसर हमें एक प्रतिनिधि आवे के एक उनका से बूढ़ी गंगा गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 के महिला सदस्य में जीती के एल छन ओरा के एक चुनौती लैके एल छन हमें जे कि बूढ़ी गंगा गाँव पालिका के हमें एक समिति पूर्वाधार विकास समिति के हमें संयोजक छन उटा के आर ओहरा में हमें इतना भिड़ी के गेने हमरा कतने हरावे खून में से लेकिन वास्तव में जनता ने कहल के हमर सन के युवक महिला चाहिए मीना विश्वास लखान हमरो लागले जे हाँ कम से कम हमू ओकर सन के लागे एकटा कोनो कर लसन ओकर सन के लागे भींग लसन कोनो में तो ने हमरा आज एते तलक के लसन वहन जनता के वहार हमरा घर परिवार के मानुष सो हमरा साथ दिल के सपोर्ट कर लसे तो हमें एते तलक के लसन आर इटा राष्ट्रीय महाधिवेशन में हमें फिर यहाँ कहे चाहन कि हमर सन के थारू समुदाय में एकदम कम छे थारू महिला पत्रकार सो ओकर सन पढ़ल लिखल बहुत छे हमर सन के थारू थारू बहन सो दई सन तर ओकर सन आगू बढ़े लगना नहीं आवे के कोशिश करी रहल छे तो काम तो एक हे ने पहला जे छले छले नकारात्मक सोच रख सल अखने तो नहीं से वह लग से हम कहन हम जे रंग बढ़ल छन आगू बढ़ल छन हमें मात्र तो
थारू पत्रकार में सदैव तो हमें नहीं हमरू पाछू पाछू या कहे के ओकर सन के लागी एक हम राखल छन स्थान या गुदी सौ तुरु सन यदि आवे के अपन थारू समाज के कुन गछे आगू बढ़ाओ ने आर पत्रकारिता एहन चीज के अखने हिंदू छे अते बाके के ल अखने वास्तव में ओकर सिन पहिने से पत्रकारिता संघर्ष करल के तखने आवे के ठाव ठाव में ओकर सन सम्मान पावि रहल छे वएह से हमू सोचते हैं हमरू सी के मोरंग के दई बहिन सौ थारू बहु गुदी सन ओकरू से इटा क्षेत्र में लागू जन तो एकदम बढ़िया हेते कही के हमें ओकर सन के थारू पत्रकार के मेम्बर बने लगना आग्रह कर धन्यवाद देखी एक चोटी रेडियो से राजनीतिक दिशन लागल नहीं कि संभव अली इटा रेडियो में हमें फर्स्ट में तो रेडियो में खाली थारू भाषा के समाचार कहें समाचार कहते कहते हमें 17 दिन में प्राविधिक टेक्नीशियन का से उटा काम करने आरो अखने हमें जम्मा 11 जन के सिखाने होते से गाँव घर के झे झगड़ा समाज सेवी काम करते करते जो चुनाव रहे स्थानीय चुनाव तो हमरा कहल के जे मीना जी त्या तहूँ चुनाव लड़वा कह के शामिल हो कही कहल के हमें कन है हमें नहीं हो जे जितवे कि नहीं जितवे उटा डर छले हमरा तर संकट हमरा कते एले आजू हमरा टिकट दिल के आज करे दिन हमर सास मरले तो सास हमर जे हो बीत ले तो हमें चुनाव में कतो घूर नहीं पेने वोट मांगे जा नहीं पेने तो हमरा डर लागे छल जे एक हमें उनका से चुनाव में टिकट लेके लड़ी रहल छन हमें एको दिन हम वोट मांगे नहीं गेल छन किरंग हेते कही के गाँव के लोग सब बोले मीना विश्वास से खाल नाम मात्र सुन छन कहियो ने वोट मांगे गेल छे कही के गुनासो आवे छल तर जे दिन हम टिकट लेने तकर चुनाव के कालू 14 गते चुनाव रहे छल तो हमार सास के क्रियाक्रम से 13 गते ओरले हमें वह दिन साँझ एक दिन साँझ गोटेरा वार्ड 2 नंबर वार्ड गोटे घूमने एक दिना घूमने सौ कह कल के जिले त्या नहीं अला हतना तोर सन के तोरा हमें वोट देनो हतना काम कि तोर लखन महिला राति अनार हॉस्पिटल रे ककर घर में झगड़ा हेले ककर खून हेल से बाल बच्चा बिरामी हमें उना नहीं देख हम एक महिला छिकन राति अनार हम कतौ नहीं जेबे हमें एक मोटरसाइकिल चल छन हमें रातिए 1 बजे राति आओ 12 बजे राति आओ ओकर सन के लैके कते जाए पड़ते हॉस्पिटल जाए पड़ते कते जाए पड़ते प्रशासन के काम करे पड़ते कौन करे पड़ते सौ कुनु हमें करने वास्तव में जनता वह खातिर पति अल्ले आर हम जीतल से एकदम बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहसन इटा के प्रतिद्वंदी सम कखने सार्वजनिक हेते कखने इटा के अध्यक्ष हेली कुंडा जिला के कोषा अध्यक्ष हेली इना कखने प्रकाशित हेते आज इटा थारू पत्रकार मास इटा के आओ 3 बजे तलक 3 बजे तलक अखने जे कि प्रमुख अतिथि अपन मंतव्य राखी के चल गेल छे वे आर अखने अतिथि ना अपन अपन मंतव्य राखी रहल छे ते झाँकरी प्रदर्शन भी भए रहल छे नृत्य देखा रहल छे आओ 3 बजे के बाद इटा समिति गठन हेते आर उटा हमें नाम दर्ता करल जेते नाम दर्ता करी के तो ककरा ककरा वोट के रंग के देते ककरा छानल जेते के रंग छे खट के कतना उटा मूल्यांकन कर छन त के कतना खट छे कहि के उटा में आउ कुन क छे एकटा हमें मोरंग के थारू पत्रकार के अध्यक्ष हेवे जन त हमरा त मूल्यांकन करी के त ओकर से जीतते ने वास्तव में वो कहिया से इटा में क्षेत्र में लागल छे हमरा इटा क्षेत्र में लागने से कमती में 10 वर्ष हेल छे 10 वर्ष हेल छे 10 वर्ष में हमरा अनुभव छे कि पत्रकार ककरा कछे केरंग के भिड़े पड़े केरंग के लड़े पड़े कौन ठाव में केरंग कहे पड़े उना के अनुभव छे हमरा तर हमें हमरा विश्वास लागे जन जे रंग के हम दावेदार रखने दिल छन उम्मीदवारी दिल छन हमें कसन जे मोरंग से हमरे हेते कि कहे के कजान कजान शंका से लागि रहल छे बहुत बहुत शुभकामना देवे चाहछन देखिए हमें एक संचारकर्मी छे अपने महिला सदस्य भी है बुढ़ीगंगा गाँव पालिक के तोरा तो था हेतु नहीं कितना संघर्ष छी इटा संचार कर संचार दिशन कुन इना के बारे में कुन सोचल से बजट सजेट कितना के निष्कासन है इना अपन सी के थारू
हमने पूर्वांचल में रहा थारू पत्रकार संघ के किन खलक बजट छुट्टी वाला जैसे नहीं जैसे संचार क्षेत्र में छुट्टी वाला जैसे तर हमार सान अखने बुढ़ी गंगा गाँव पालिका में एकदम विशेष रेडियो कार्यक्रम महिला महिला सान के कार्यक्रम के लिए हमार सान बजट छुट्टी वाला आर टीवी एहोना कुन के ओहन में हमारे छुट्टी वाला संचार के लिए तो छुट्टे करके एक हमारे सीन टीवी के टीवी में टेलीविजन में हमारे सान के थारू भाई छे कही के उ दिन एक आवाज ले चल तो हमारे उठा के लिए भी छुट्टी वाला थारू कार्यक्रम के लिए जो टीवी के लिए भी हमारे बजट छुट्टी वाला उमर ग्राम थान में भी हमारे प्रपोजल पेश कर लन कि हमारे सान के थारू पत्रकार के लागि तोर सान बजेट छुट्टिया पड़तो तो ओथे करो मानुष नाकल के हेते वास्तव में हमर सान के थारू पत्रकार ना के नहीं छुट्टी हो बजेट तो ओकर से आंते कतेस पत्रकार बने पछि था छेबे करो पत्रकार ना आंते कतेस पत्रकार एक से सोच से जब पत्रकार ना के टका पैसा नहीं छे टका पैसा हमर सान के बजट नहीं छे उटा कॉस्ट के रंग छे हमें बुझे तहु बुझते हुए आर के रंग के हमर से संघर्ष करके एत तलक अल छे तो ओर था है तो तोरा वास्तव में हमर सान के आर्थिक में पत्रकार ना एकदम पाछू पड़ल छे कुनो नहीं छे ओकर सान के न्यूज संकलन करी दहे कुनो कर दे कखरु तो कहवा जे तोर सान के प्रोग्राम छो जे हमर सान के जानकारी कर दे तो ओकर सान के डर लागछ कि वास्तव में ओकर सान पत्रकार ना पैसा मांगे खातिर हमर सान के कहि रहल छे कुन तर कुन कछे हमें कसन श्रोता ना के तोर सान इटा भ्रम नहीं राखियान कि पत्रकार भन्ने विधि के ओकर से पैसा के लागि नै अपन गाँव समाज के लागि ओकर सीटा काम करि रहल छे आर गाँव समाज के तोर सान के बेटा बेटी के लागि इटा आगू केहन के बढ़ते कह के इटा संचार इटा टीवी रेडियो अने थारू पत्रकार एकर से लागि भिड़ल छे तोर सान नहीं सोचिया जे ओकर से पैसा में मात्र काम करछे कह के अंतिम अंतिम दिशन कुन कहे जा छे इटा कार्यक्रम के एरिना टेलीविजन एकटा प्लेटफार्म देल छे अपन सिके थारू समाज के लागि कुछ करोस कह के कुन कहे जा छे इटा कार्यक्रम के बारे में इटा टेलीविजन इटा टेलीविजन के तो हमें सोच पहिना बहुत बहुत धन्यवाद कहे जा छन कि वास्तव में हमर सिके एकटा थारू भाई के एकटा कार्यक्रम चलावे देल छे थारू भाषा के कार्यक्रम जे कि उटा में हमरा एकदम खुशी लागल छे यहाँ कार्यक्रम हमें थारू भाषा कार्यक्रम मकालू टेलीविजन में कहल रहें सब चलो तो ओकर से कहल के हमरा तब एउटा संस्था बड़ा आउनुस अखन तपाईहरु एउटा संस्था बड़ा आउनुस त्यो संस्था बड़ा आए पछि डील गरे पछि हामी तपाईलाई कार्यक्रम चलाउन दिन्छु कतना टेलिभिजन एउटा कार्यक्रम ल्याके जेबै त वार्षिक कतना देबै महिनावारी कतना देबै वा खलक डील हेला जे हमर सान के टाइम किने क छ टेलिभिजन नामे तर वास्तवमा एकटा नीरज खवास भाई के इटा कार्यक्रम चलावे दिल से उटा एरिना टेलीविजन के हमें मुरी मुरी धन्यवाद देवे चाहन आर अपन थारू जाति के कुन का से एकदम पिछड़ल आर ओकर सान के मन में लागल कार्यक्रम से ओते जाके पोखी दे छे तो ओकर सान के मन हल्का हेल से एक टीवी में कि नहीं कि अपने घर में नहीं पूरा संसार के मानुष ओकर सान के देख छे तो उठा के लागि नीरज भाई के हमें एकदम बहुत बहुत धन्यवाद दे चाहन आर इटा एरिना टेलीविजन के भी एकदम बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन कि हमर सान के थारू समाज के एक भाई के इटा टेलीविजन से थारू भाषा कार्यक्रम चलावे दिल आर आर कार्यक्रम हेरंगे चलावे ध्यान कह के धन्यवाद देवे चाहन धन्यवाद बातचीत कर दिले इटाके लागि बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन अखने हमर संगे बातचीत जोड़ी रहल छी जे कि मोरंग जिला के पत्रकार महासंघ के उपाध्यक्ष रहल छी जे कि अखने आज इटा कमनी कृषि तालीम केन्द्र में अवस्थित आज आज रहल इटा महाधिवेशन थारू पत्रकार महासंघ के महाधिवेशन में मोरंग जिला से दावेदार करी रहल छी अध्यक्ष पद में ओकरा बहुत बहुत शुभकामना देवे चाहन ओहने गरिके इना कार्यक्रम तोरसिन देखे सकते प्रत्येक हफ्ता के रवि दिन साँझ छः बजे से सात बजे तक सोमदिना तीन बजे से चार बजे तक कार्यक्रम में हमें एक छुमा व्यापारिक विश्राम लेबे चाहब
कार्यक्रम के अंतिम व्यवस्था फिर से स्वागत करे चाहिए मनपसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में कार्यक्रम के अंतिम दिशा चले जेकि आज कृषि तालीम केन्द्र के प्रांगण में जेकि झुमका अवस्थित के कृषि तालीम केन्द्र के प्रांगण में जेकि छठौ महाधिवेशन चलि ये थारू पत्रकार महासंघ के जेकि मोरंग जिला के थारू पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष हमर संगे अखने जेकि हम संगे बातचीत राखे चाहिए जेकि कोई नहीं आबी के सप्तकोशी FM 90 मेगाहर्ज के एक कार्यक्रम संचालक भुर्कवा तारा के संचालक रहल छी वे कोई नहीं आबी के एलएन गजदार रहल छी ओकरा हम कार्यक्रम में स्वागत करै छी एलएन जी स्वागत हाँ धन्यवाद सर कतना के व्यस्त छी व्यस्त व्यस्त छै एकदम कार्यक्रम आबि रहल छी आज जरा तेसरो महाधिवेशन राष्ट्रक अधिवेशन आबि रहल छै थारू पत्रकार संघ के आ व्यस्त कहे पड़ले किन जेकि अपने आज अधिवेशन आबि रहल छी जेकि अपने फेरु एटा थारू पत्रकार महासंघ अखने मेम्बर चेंज करि रहल छी किन फेरु यार अध्यक्ष पद में लड़ि रहल छै कुन करि रहल छै एटा के जेकि हमर से के मोरंग जिल्ला के जेकि सांसद भरखरे संपन्न हेला छै कहबै जन त एटा हमर से के मोरंग के दुई बच्छन नै पुई के माने उ केन्द्र में आर परदेश में जाने पेदी उटा जेकि हमर से कि त राजी अध्यक्ष पद से कि त राजीनामा दे पड़ले राजीनामा दे के मात्र केन्द्र या पार्षद में लड़े पड़ते आर जेकि हमर से विधान थारू पत्रकार संघ के केन्द्र के विधान अनुसार हमर से जेकि एटा तेसर अधिवेशन हेला छै यदि हमर से श्री कंटिन्यू रूप में जाए पड़ते तखने हमर से आठ एक वर्ष जेकि कार्य अवधि बाँकी छै जिला के मोरंग जिला के एक वर्ष के बाद में हमर से कार्य अवधि ओरा के मात्र हमर से दोसर चौथो अधिवेशन में मात्र हमर से जेकि केन्द्र में जाके हमर उटा लक्ष्य रहल छै जाके प्रक्रिया रहल छै जेकि अखने हम भखरे तोर से आगू हमें मीना विश्वास जी संगे हम बातचीत करली जेकि ये अखने कहल कि आज इटा अधिवेशन में हमू दावेदार करल छी अध्यक्ष पद में कुन छै इटा सच कि गलत उटा विधान में नै छी यदि इटा विधान जेकि मोरंग जिला के समिति चयन के विधान नै छी समिति चयन के इटा अधिवेशन नै छी इटा राष्ट्रक अधिवेशन छै हमर सबके विधान में एखन जा फरक चेंज हेल छै आरजन के विधान से जेकि इटा राष्ट्र के इटा हमर सबके केन्द्र के विधान में थारू पत्रकार संघ के विधान में हमर सबके जेकि एतका केन्द्र में लेवल में मात्र समिति चयन हेतै जिला लेवल में समिति चयन नै छै हमर सबके मोरंग सुसरी के थारू पत्रकार के चयन नै छै कम के हमर सबके विधान अनुसार आर एक वर्ष कार्य अवधि बाकी छै यदि हमर से जाए पीबी जनता यदि मीना विश्वास कहल छै हमें केन्द्र में फाइट करबी जनता वे स्वतः राजीनामा दे के केन्द्र में फाइट कर सकते या जिला उपाध्यक्ष के हैसियत से वे हमें अध्यक्ष में जेबी जनता इटा असंभव वाला बात छै कि तो अध्यक्ष पद में हमें राजीनामा दे पड़ती हमें राजीनामा देवी तो मात्र स्वतः रूप में बढ़ुआ आवी के अध्यक्ष पद में मात्र जेती देखि आज इटा छठौ वार्षिक साधारण उटा कमनी उटा हावी रहल छी काम यहाँ सुनसरी के झुमका चुन लगेली दोसर ठाम काम नै चुन लगेली वास्तव में कहबै जन त हमर सबके थारू पत्रकार दिशन भरखरे मोरंग सुनसरी में गठन हेल छी एकदमे कहबै जन त हमर सबके जेरा एकटा काठमांडू में हेल एकटा हमर सबके छलफल में हमर सबके एकदमे थारू पत्रकार सब मोरंग सुनसरी के कंजा हेप्लो बगन लागेका कि पश्चिम मोरंग के पत्रकार उमरका बॉडी पिक डेवलप हेल उमरका पत्रकार सब आगू बढ़ी रहा छै राष्ट्रीय मीडिया में उमरका बहुत हमर सबके इमहर पूर्व उमरका स्थानीय मीडिया में आर पूर्वांचल भरि में मात्र हमर सब सीमित रह के रहल छै उटा लेल से हमर सब रिपोर्टर्स क्लब में हेलो कार्यक्रम में भी हमर सब हमें एलएन गजदार आर तने करके सुनसरी कुलदीप चौधरी स्वयं हमर सब जाके ओदिका हमर सब टेबल ठटा के हमर सब गने हमर से अखन कटा तेसरो राष्ट्रीय अधिवेशन थारू पत्रकार के हमर से सुनसरी झुमका में करी के हमर से देखा दू कह के हमर से केन्द्र से माग करी के हमर से इटा में कर लै नास्ते इटा कार्यक्रम इटा अवसर हमर से अखने इटा अधिवेशन अधिकार नहीं हिले त पश्चिम मोरंग का आर थारू पत्रकार सब के आर जिला सब इटा राष्ट्र अधिवेशन रा उमर का सारे सकल के दिन जेकि अखने पश्चिम कर थारू सम इमर कर पूर्व मर कर थारू के हेप्लो के बात कर लै नी जेकि अखने सम्मान हेली जेकि सम्मान एकजना नगद पुरस्कार सहित सम्मान हेली पश्चिम कर थारू सम्मान हेली नी इटा त कुन कहे पड़ती इटा में कुन कहे चाहे कि वास्तव में कहबै जन त अखने सुनसरी मोरंग के हक में भरखरे थारू सब आगू बढ़ी रहल छै पत्रकारिता क्षेत्र में उमर कर पश्चिम के बहुत आगू विकास क्रम ओकरा आगू बढ़ल छै ओकरा राष्ट्रीय लेवल में ओकरा बहुत योगदान दिल छै आगू बढ़ल छै ओकरा उटा वजह से ओकरा छनोट समिति निर्णय अनुसार ओकरा जेकि इंदु चौधरी लगायत आर आर झन के जेकि सम्मान कार्यक्रम करल छै विशेष बेसी योगदान दिल सब पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान ओहरात्र खटल सबके माने ओकरा कार्य मूल्यांकन के आधार में माने सम्मान करल छै
जेकि अखने तो हम इतने बातचीत जोड़े जाते हैं कि हम इस संगे एकदम समय कम थी थी अंतिम में इतना कार्यक्रम में एरिना टेलीविजन एक थारू के लागी एक प्लेटफॉर्म दिला थी थारू समाज कुछ करोस कोई के एक प्लेटफॉर्म दिला थी कौन का ये चाहे टेलीविजन आ रही था हमारे समाज कार्यक्रम के अब विशेष करके तो हमें कार्यक्रम प्रस्तुत नीरज खवास भाई के विशेष धन्यवाद दिवे चाची देखिए यह कार्यक्रम जरा थारू समुदाय के लागी एरिना टेलीविजन मार्फत जरा हमारे समाज कार्यक्रम मान लो चार तन करके थारू पत्रकार संघ सुसरी मोरंग के संयोजन में आर तन करके थारू पत्रकार संघ के केंद्रीय काठमांडू के आयोजना में जरा अधिवेशन हावी रहा इतना कार्यक्रम आबके जेकि इतना के अवलोकन करी कार्यक्रम के रिपोर्टिंग करी दिला पर में उठा के लगे हम बहुत धन्यवाद दिवे चाची नातन के नीरज खवास लगायत एरिना टेलीविजन लगायत हमारे समाज कार्यक्रम के थारू समुदाय में जेकि घटला घटना सबके उजागरण करो थारू के मांग मुद्दा सबके आगू बढ़ा के आर थारू मीडिया जगत में आगू बढ़ाओस कह के भी हमें अनुरोध करते आर हमार समाज कार्यक्रम आर तोरा नीरज खवास जी के विशेष धन्यवाद दिवे चाची बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया बढ़िया सलाह सुझाव दिल लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहूँ आदि दर्शक दिन समय हमें बातचीत कर रहा छी जी सप्तकोशी एफ एम 90 MHz के कार्यक्रम प्रस्तुतता भुर्कवा तारा के कार्यक्रम प्रस्तुतता रहा छी एल एन गसदार आर ओने करके मोरंग जिला के थारू पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष भी रहा छी वे बढ़िया बढ़िया सलाह सुझाव दिल की ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी तोरसिन के इटा कार्यक्रम किने लग्छ कुन सलाह सुझाव छू जन त तोरसिन अवश्य भी सलाह सुझाव देवे सकते जेकि सलाह सुझाव के लिए टेलीविजन स्क्रीन में नंबर ना दौड़ी रहा छू यहाँ नंबर में तोरसिन संपर्क करके सलाह सुझाव देवे सकते आर ओने करके अपन सी के समाज के लिए किने खलक कार्यक्रम के आवश्यकता छी इटा थारू समाज के लिए तोरसिन होना के कमनी सलाह सुझाव देवे सकते आर इटा कार्यक्रम के लिए गीत संगीत के लिए एकदम आवश्यकता छी जेकि तोरसिन के कोनो भी म्यूजिक वीडियो फिल्मी गीत सब छू जन तोरसिन अवश्य भी यहाँ दौड़ी रहा नंबर नामे संपर्क करके तोरसिन बुझाबे सकते आर हम इटा कार्यक्रम में ठाम देवे करबू तोरसिन के गीत संगीत के लिए एक घंटा तक हमरा कैमरा दिशन साथ दिल की विजय जी के बहुत बहुत धन्यवाद आर हमें आज इटा कार्यक्रम से विदा आबे चाहूँ दोसर हफ्ता हमें भेटते के बाचा राखते तोरसिन देखते रहन एरिना टेलीविजन नमस्कार।